सो हेलो गाइज, यहाँ पे आ चुका है मैनेज सुपरमार्केट सिमुलेटर का एक नया अपडेट। यहाँ पे जो अपडेट में हमें बताया गया है, वी हैव रीवर्कड द स्टोर स्ट्रक्चर एंड मूव इट टू अ मोर ब्यूटीफुल लोकेशन। यानी कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल को एक नए लोकेशन पे चेंज कर दिया गया है। साथ ही कुछ कुछ चेंज के चलते जो हमारी प्रॉपर्टीज़ में अंदर सामान रखे हुए थे, प्रोडक्ट और सेल्फ वगैरह, उन सभी चीज़ों को बाहर फेंक दिया गया है। और कुछ चीज़ें जो हमारे नए अपडेट में नहीं देखने को मिलने वाली हैं, उनका जो कैश है वो हमें रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं पुराने लोकेशन पे, अब हम चलेंगे प्ले स्टोर पे और इस नए अपडेट को डाउनलोड करेंगे। इस अपडेट में जो हमें नया मिलने वाला है वो है फिक्स डाटा अपडेट, न्यू मैप अपडेट और अपडेट कंटेंट्स और फिक्स बग्स। तो ये जो अपडेट होने वाला है वो लगभग होने वाला है 81 MB का। तो 81.25 MB का जो अपडेट है उसे हम डाउनलोड लगाने के कर दिए हैं और यहाँ पे हो चुका है लगभग 85% डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल होने देंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करेंगे अपने नए अपडेट वाले गेम को, जिसमें हमें देखने को मिलने वाला है एक नया मैप जो कि नया लोकेशन पे सेट कर दिया गया है। और यहाँ पे खुल चुका है हमारा सुपरमार्केट सिमुलेटर गेम। और ये जो ट्रांजैक्शन है, यानी कि कोई भी चीज़ जब हम देख रहे हैं कि कोई भी नए जो कुछ खुल रहा है विंडो, तो वहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजैक्शन दिखा दिया गया है, उससे देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं ज़रूर, लेकिन हमारी यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स है। गिफ्ट बॉक्स के बाहर एक नाम हमें देखने को मिला है और ये जो नाम है वो भी हमें फ़ायदा करने वाला है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो सेल्फ हैं और प्रोडक्ट के बॉक्स हैं, उन सभी चीज़ों को बाहर फेंक दिया गया है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि बॉक्स में कुछ आइटम हमें फ्री आइटम मिला था और उस फ्री आइटम को हम अपने सेल्फ में सहार दिए हैं। और यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं फ्रिज को। सबसे पहले एक कॉर्नर से लगाना शुरू करेंगे ताकि घुसते ही जो कस्टमर है उसको हमें प्रोडक्ट देखने को मिल जाए। तो इसको पहले हमें घुमाना होगा। घुमाने के लिए हमने घुमा दिया है और इसे अब हम लगानेंगे एक कोने में। और एक और नया बॉक्स, बॉक्स के बाहर एक छोटा सा नाम देखने को मिल रहा है और साथ ही उसमें देखने को मिल रहा है कि बॉक्स के अंदर क्या है, कितनी चीज़ है। और कुछ कुछ चीज़ें और देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट मिला है देखने को, इसको हम बाद में लगाएंगे, कहाँ लगाना है वो देखा जाएगा। पहले लेके चलते हैं सेल्फ को और सेल्फ को एक कोने से लगाना हम शुरू करेंगे। ये कॉर्नर जो रहेगा वो सेल्फ का रहेगा। तो यहाँ पे पहला सेल्फ हम लगा देते हैं, ये हमने लगभग सेट कर दिया है अपने पहले सेल्फ को। और इस अपडेट में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस अपडेट में हमें नई नई प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगी और साथ ही नया मैप लोकेशन है उससे भी हमें खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है। और इस सिर्फ नया लोकेशन का ही अपडेट दिखाया गया है ज़रूर, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट को भी फिक्स किया गया है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ों को शायद नए प्रोडक्ट को भी लाया गया है। तो यहाँ पे सारे के सारे सेल्फ को, सारे के सारे बॉक्स को, जो कि हमारे सारी चीज़ों को बाहर दुकान के फेंक दिया गया था, उसको हम सहारने वाले हैं और लाने वाले हैं अपने शॉप के अंदर। यहाँ पे दो बॉक्स और दिख रही है, उसको भी हमें अभी लाना होगा। यहाँ पे आखिरी सेल्फ बचा हुआ है, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे और ये भी हमने सेट कर दिया है। और ये बॉक्स, फ्री वाला बॉक्स हमें तीन तीन ठो मिल चुका है। और इसके ऊपर आप सभी देख सकते हैं डिशवाशर टैबलेट है, 8 आइटम है और कितना क्या चीज़ है इसमें सब देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। और ये अपडेट हमने अपडेट आने से पहले ही हमें बोला था कि ऑर्डर करते समय सिर्फ हमें देखने को मिलता है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है, लेकिन गेम के अंदर हमें एक भी बार देखने को ये नहीं मिलता कि प्रोडक्ट हमारे हाथ में जो है उसका नाम क्या है, ये कहाँ रखाएगा, वो कुछ चीज़ इसमें देखने को नहीं मिलता।
एक अपडेट नहीं आया है अभी कि ये जो बॉक्स के ऊपर लिख के आ रहा है कि प्रोडक्ट का नाम, साथ ही इसका जो आइटम है, कितने आइटम है इसके बॉक्स के अंदर, वो सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं ज़रूर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है गेम वालों से कि बॉक्स के ऊपर ही ये भी दिखाना होगा उनको कि ये सेल्फ में जाएगा, फ्रिज में जाएगा या फ्रीजर में जाएगा। तो ये भी चीज़ इनको ऐड करना होगा कुछ समय के बाद, तब मज़ा आएगा गेम में कि हम अगर बॉक्स को उठाते हैं तो हमें पता रहे कि ये चीज़ किस जगह पे जाने वाली है। इससे हेल्प मिलेगा गेम को खेलने में और अपने प्रोडक्ट को सही जगह लगाने में, क्योंकि हम प्रोडक्ट बॉक्स उठा लिए उसके बाद हम चले गए सेल्फ वाले में, हमें लगा कि सेल्फ में हमें लगाना है और हम बढ़ गए सेल्फ वाले की तरफ, लेकिन ये लगेगा फ्रीजर या फ्रिज में तो दिक्कत हो सकती है। पहले हम चले गए सेल्फ में लगाने और लगाना था हमें फ्रीजर और फ्रिज में, तो इसलिए ये झमेला ना होने के लिए यहाँ पे एक और छोटा सा अपडेट लाना होगा उसी बॉक्स वाले प्रोडक्ट में, जहाँ पे लिख के आ रहा है प्रोडक्ट का नेम और उसका क्वांटिटी, वहीं पे एक छोटा सा भी चीज़ लिखना होगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो बिगड़ गए थे बाहर फेंकने की वजह से, तो इनका सभी का प्राइस हम दोबारा से सेट करने वाले हैं। नया लोकेशन का जो अपडेट आया था उसके चलते हमारा सारा चीज़ बिगड़ गया है, प्राइस भी बिगड़ गया, हमारे सारे बॉक्स भी इधर उधर बिखर गए, हमारे सारे सेल्फ, हमारे सारे फ्रिज, सारी चीज़ें इधर उधर बिखर गई। जो बिखरा नहीं वो क्या था वो आपको कमेंट में बताना है अभी के अभी, और वो लगभग 2-3 चीज़ हो सकती है जो चीज़ नहीं बिखरा, तो अभी के अभी कमेंट में जाइए और अभी के अभी कमेंट में लिख के बताइए कि वो 3 चीज़ क्या थी जो हमारे शॉप से बिखरी नहीं। आपको अभी के अभी कमेंट करके बताना है कि वो 3 चीज़ क्या होने वाली है। यहाँ पे हमारे फ्रिज में बोतल लगाने का जगह नहीं है और ये सारे बोतल जो फ्रिज वाले चीज़ें हैं उनको एक कोने रखेंगे, और यहाँ पे हमें ओपन करना होगा अपने शॉप को ताकि हमारे जो पैसे हैं, डॉलर हैं, वो आते रहें, साथ ही साथ हमारा काम भी होता रहे। या तो ब्रेड है, ये तो ब्रेड को हम लगा सकते हैं जगह पे, तो सारे ब्रेड को हम अपने जगह पे लगा देते हैं, और यहाँ पे 4 सेल्फ में हमने ब्रेड को लगाया हुआ है, तो ये आइटम ही ख़त्म हो चुका है। और हमारे कस्टमर आ चुके हैं बिलिंग वाले काउंटर पे और इनका वापस करना है $10.60। इनका कार्ड से पेमेंट है, इनका कैश है $19.70 इनको वापस करना है, इनको भी वापस कर देते हैं। अब हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि या तो हम एक और बड़ा फ्रिज लें या तो लास्ट जो है वो फ्रीजर लें। तो इस वीडियो में हम दोनों टारगेट को अपने पूरा करने वाले हैं, फ्रिज भी हम लेने वाले हैं, साथ ही हम फ्रीजर भी लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फ्री वाला बॉक्स है वो धनाधन आता जा रहा है हर 5 मिनट, हर 10 मिनट पे, तो इसका टाइमर हमें नहीं कन्फर्म है कि कितने टाइम के बाद आ रहा है, लेकिन ये फ्री वाला जो बॉक्स है ना वो मिल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है ये मिल रहा है फ्री में। तो यहाँ पे इनका जो है $19 हो रहा है, इनको हम कैश लेके कार्ड से और इनको वापस करते हैं, इनका एक भी पैसा नहीं वापस करना है, लेकिन गलती हो रही है हमसे, इनको एक भी रुपया वापस नहीं करना है। तो यहाँ पे कार्ड पेमेंट है $22.90 और यहाँ पे $6 वापस करना है और यहाँ पे $19 वापस करना है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कैशियर को, कैशियर को लगाने के बाद होगा क्या कि हमारा जो काम है वो 2-3 मिनट तक जितना टाइम होता है उसका, उतने टाइम तक हमारा काम होता रहेगा। और एक सेल्फ भी हमने ऑर्डर कर दिया है और सेल्फ को भी हमें लगाना होगा जगह पे, यही सामने हम देख रहे हैं कि यहीं पे सामने जगह है, वहीं पे इसको हम लगा देंगे अपने सेल्फ को, ठीक है। और ये हमारा एक आइटम आ गया हमारे हाथ में और इसको हम लगा नहीं सकते, इसको शायद फ्रिज में लगाना है या फ्रीजर में लगाना है। और हमारे सेल्फ आ जाएं तो सेल्फ को फिर हम लगाएं अपने जगह पे,
ये हमारा सेल्फ भी आ चुका है, ये पहाड़ की तरह ऊपर चला जा रहा है। पहाड़ हमने तोड़ दिया सेल्फ उठाने में। इसको लगाते हैं एक कोने और ये आखिरी सेल्फ यहाँ पे हमारी लग जाएगी। ये बॉक्स हमें दिक्कत कर रहा है, बॉक्स को हटाना पड़ेगा। सबसे पहले सेल्फ को फेंकते हैं एक कोने, उसके बाद हम बॉक्स को हटा पाएंगे। बड़ा दिक्कत हो रहा है। सेल्फ को हम फेंकते हैं एक कोने और बॉक्स को फिर एक कोने फेंकते हैं, फिर सेल्फ को उठाएंगे और दोबारा सेल्फ को अपने जगह पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कस्टमर भी सामान ले लेके खड़े हैं काउंटर पे, उनका भी बिलिंग करना होगा। और यहाँ पे जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं उनको, अरे सॉरी, जो काउंटर वाली चीज़ें हैं उनको हम लगा देते हैं यहाँ पे। ये तो फ्रिज में जाएगा, ये एप्पल जूस है, ये सारी चीज़ें फ्रिज में जाने वाली हैं। ये डिश वाशर जा सकता है यहाँ पे, तो इसको हम लगा देते हैं सेल्फ में। और ये भी एप्पल जूस ही है, इसको भी एक कोने फेंकते हैं, इसको भी एक कोने फेंकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि ये फ्रिज वाली चीज़ें हैं। ये आइसक्रीम भी फ्रिज वाली, ये शुगर, ये जा सकता है। हाँ, ये चला गया, तो ये चला गया अपना जगह पे। एक और काउंटर इसका लगाना होगा, ये भी चला गया जगह पे। इसको बॉक्स को बाहर फेंकते हैं, फ्री वाले आइटम को उठाते हैं। फ्री वाले आइटम में देखते हैं क्या है, इसमें कुछ सुना सुना लगता है। तो इसको भी हम लगाते हैं जगह पे। ये सारे के सारे एक ही सेल्फ में आ गए, इसको भी फेंकते हैं। एक एप्पल जूस का जो बॉक्स है वो हमारे फ्रिज में लगेगा। तो जब फ्रिज आ जाएगा तब हम इसको एक ही फ्रिज में सारे के सारे चीज़ों को भर देंगे। $5.95 इनको वापस करना है। तो ये हो गया 95, इनका पेमेंट करना होगा। लेकिन इससे पहले इनका प्राइस हम सेट कर देते हैं। जिस जिस चीज़ का हम अभी सेल्फ में लाइन ही चीज़ लगा है ना, उसका हमें प्राइस भी सेट करना होगा। तो मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसी के लगभग में हम रखेंगे। जैसे 6.11 चल रहा है तो हम $6 रख देंगे, तो उससे हमें फ़ायदा भी रहेगा, मार्केट से सस्ता भी रहेगा 10 सेंट और कुछ सेंट, और हमारा काम भी हो जाएगा, कस्टमर को महंगा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम मार्केट से 10 सेंट 20 सेंट सस्ता ही दे रहे हैं। तो जैसे 11.25 सेंट है इसका, तो हम 11 अगर डॉलर रख देंगे तो कस्टमर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। वो सोचता है कि मार्केट से हमें सस्ता चीज़ मिल जाए, तो मार्केट से सस्ता उनको 10 सेंट 20 सेंट करके दे देंगे। और इनका हो रहा है 18.90, तो 18.90 इनका वापस हम ले लिए। $26 हो रहा है इनका, $26.65 इनका भी पेमेंट हो चुका। तीन का कार्ड वाले आ गए। अरे हाँ, ये ठीक है, ये कैश वाली है। तो इनका $18.30 वापस करना था, इनको हमने वापस कर दिया है। कुछ प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका है हमारा। और ये है रोलर पेपर, ठीक है, टॉयलेट पेपर जिसको कहते हैं। तो टॉयलेट पेपर आ चुका है यहाँ पे। टॉयलेट पेपर को हम चारों बॉक्स में लगा दिए, एक सेल्फ में एक ही बॉक्स इसका लग पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा जगह लेता है। ये क्या है, इसको भी हमें लगाना होगा अपने जगह पे। तो ये तो पोटैटो पॉप से ये लग सकता है, ये सेल्फ में लग जाएगा। इसको हम लगा दिए हैं, इसको डबल सेल्फ चाहिए। तो बॉक्स को फेंकते हैं कोने और उसके बाद इसका प्राइस सेट करते हैं। $10.37 चल रहा है, $10 इसका प्राइस हमने सेट कर दिया है। और उसके बाद हमारा ये जो बॉक्स है इसका भी प्राइस हमें सेट करना होगा। जैसे $5.42 है तो $5 हम इसका कर देंगे, तो कस्टमर को महंगा भी नहीं लगेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं उनको हम बॉक्स अपने फ्रिज में लगा देते हैं, ताकि हमारा इसका भी सेल होता रहे। और साथ ही साथ हमें एक और चीज़ देखने को मिलने वाला है कि स्टोरेज हमें देखने को मिलने वाला है इस गेम में, कि हमें एक स्टोरेज दे दिया गया है। उसको पहले हमें कुछ डॉलर देके ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद हम फिर उसमें सामान रख सकते हैं। जैसे ये लेफ्ट वाले में जो डोर दिख रहा है, दरवाज़ा दिख रहा है, वही दरवाजे के अंदर हमें मिलने वाला है एक जगह जहाँ पे हम अपने सामानों को रख सकते हैं।
तो सबसे पहले काउंटर डील कर लेते हैं क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इनका $6.50 हो रहा है, इनको वापस करते हैं। इनको $5.80 वापस करना है, इनको वापस करते हैं। इनका $26 हो रहा है, $26.70 इनका भी काउंटर क्लियर करते हैं, $3 करते हैं। साथ ही यहाँ पे $16.20 इनका पेमेंट है, $13.80 इनको वापस करना है, तो इनका भी वापस हमने कर दिया है। एक बॉक्स आ गया है, उसका बॉक्स को लगाते हैं काउंटर में, जगह देखते हैं कहीं जहाँ जगह होगा वहाँ लगा देंगे इसको। और दो आइटम बच रहे हैं, दो आइटम को कहाँ ठोका जाए, यहाँ पे ठीक रहेगा। इसको फेंकते हैं बॉक्स को बाहर, और उसके बाद इसमें है क्लीनर, क्लीनर को भी एक जगह देख के कहीं लगाते हैं। यहाँ पे तो जगह नहीं है, वहाँ ऊपर ऊपर जगह है, यहाँ पे लगाते हैं। एक ही सेल्फ में सारी चीज़ें आ गई, ये सही रहता है। एक ही बॉक्स का आइटम उठाइए, एक ही सेल्फ में आ जाए ना तो अच्छा लगता है। इसका प्राइस हमें सेट करना होगा, अभी प्राइस सेट नहीं हुआ है। इसका $17.44 चल रहा है मार्केट प्राइस, हम $17 कर देंगे तो हमारे फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ कस्टमर को महंगा भी नहीं लगेगा। ये है टॉयलेट पेपर, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ों का तो हमने प्राइस सेट कर दिया, इसका करना होगा। इसका $15.94 चल रहा है, तो $15 भी सही रहेगा। हमारा मन तो है 15.5 करने का, लेकिन दिक्कत होने लगेगा फिर पेमेंट के टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास $457 आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया है, और यहाँ पे $13 इनका हो रहा है, इनको क्लियर करते हैं। यहाँ पे कुछ बॉक्स हैं जो कि हमें लाना होगा अभी अंदर। फ्रिज हमने ऑर्डर कर दिया है, फ्रिज आ जाते हैं तो उसके बाद हम उसको प्रोडक्ट को ऐड करेंगे फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट हमने मंगाया था वो आ चुका है, उसको लगाना होगा हमें जगह पे। और इसमें दो बॉक्स बच जा रहे हैं, दो प्रोडक्ट, इनका क्लियर करते हैं। पहले पेमेंट $10.90 हो रहे हैं, इनका क्लियर करते हैं। $3 वापस करना है, $3 हो रहा है इनका। $27 हो रहा है, $28 वापस करना है, इनका भी क्लियर हुआ। एक मैडम आ चुकी हैं, इनका $26 हो रहा है, $9 वापस करना है इनका। $7.90 हो रहा है, इनका पेमेंट काटना है ATM से। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है सेल्फ, जो कि सेल्फ को हम लगाते हैं इस कॉर्नर पे। अभी हमें फ्रिज ऑर्डर करना होगा, फ्रिज अभी हमने ऑर्डर नहीं किया है, फ्रिज को भी हमें ऑर्डर करना होगा, क्योंकि एप्पल जो जूस है वो हम फ्रिज में ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आइटम कुछ बचा नहीं इस बॉक्स में, इस बॉक्स को फेंकते हैं, नए बॉक्स को उठाते हैं। इसमें है पास्ता, ये तो शायद लग जाएगा अपने सेल्फ में ही, तो इसको भी हम लगाते हैं अपने सेल्फ में। यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे तो है नहीं, यहीं लगाते हैं ऊपर। इसका भी क्लियर हो चुका है, ये जो पास्ता था उसको हमने लगा दिया है। यह है क्लीनर, क्लीनर को भी हमें जगह देख के कहीं लगाना होगा। और यहाँ पे अगला दिन शुरू हो चुका है, इसको बॉक्स को फेंकते हैं, और अब दोबारा देखते हैं कोई चीज़ है घट रहा हो बढ़ रहा हो तो उसको देखना होगा हमें। ये पहले क्लीनर क्लीन करते हैं अपने काउंटर को, यहाँ पे $23 हो रहा है, ये क्लियर करते हैं। और यहाँ पे $20.90 हो रहा है, इसको भी क्लियर करते हैं। बाहर हमारी लैटी कोई आया है शायद, उसको भौंक रही है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, कुछ देर उसका चलेगा कुछ टाइम, ठीक है। एक होता है राग बैठाना, सुर सुर लगाना, तो वो सुर लगाती है कुछ टाइम, तो कुछ टाइम आपको सुनाई देगा भौंकने की आवाज़, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको हम लगा देते हैं। ये तो फ्रिज में जाने वाला, ये भी एप्पल जूस है शायद। यहाँ पे सारी चीज़ों को फेंकते हैं, हमें फ्रिज को ऑर्डर करना होगा, फ्रिज बड़ा दिक्कत कर रहा है। फ्रिज आ जाए तो उसको हम लगाएंगे अपने जगह पे।
तो यहाँ पे इनका $15 हो रहा है, $15 क्लियर करते हैं। उसके बाद इनका $2 हो रहा है वापस करने का, इनको क्लियर करते हैं। $33 लिए है सामान भाई साहब। 11.10 सेंट इनका हो रहा है, इनको क्लियर करते हैं। $28 हो रहा है इनका पेमेंट, क्लियर करते हैं। उसके बाद हमारा फ्रिज आया, फ्रिज हमने ऑर्डर किया था, फ्रिज आ जाए तो काम बन जाए। इनका $3 वापस करना है, हमने कर दिया है। यहाँ पे नया प्रोडक्ट आ चुका है, ये तो शायद फ्रीज़र में लगता है, तो ये तो फ्रीज़र में लगेगा गुरु, यहाँ पे ये लग नहीं रहा है। और हम ज़बरदस्ती ठोकना चाह रहे हैं कहीं तो सारा लग जाए। और हमारा जो फ्रिज है वो आ चुका है ऑर्डर पे, और इस फ्रिज को हम लगाएंगे एक कॉर्नर पे। इसको मन कर रहा है हमारा कि यहाँ लगा दें दरवाजे के पास, जैसे कस्टमर घुसते ही यहाँ से सामान उठा लेगा। तो इसको हम एक कोने लगा देते हैं, ये लाइनिंग देख के लगाएंगे तो हमारा सही जगह लग जाएगा। यहाँ पे लग चुका, वो तो उल्टा हो गया, मतलब लाइनिंग उल्टा है, वो समझ गए। लाइनिंग को हमें इस साइड करना होगा, तो ये हमने लाइनिंग इस साइड कर दिया है। अब हमें लगाना होगा जगह पे, और ये थोड़ा सा और थोड़ा ये हो गया। यही बैठाने में बड़ा दिक्कत होता है। एक इनको ना बटन देना चाहिए, चारों कोने का बटन, कि जिधर हमको सामान ले जाना है उस साइड का हम अगर बटन दबा दें एक एक बार पॉइंट 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 करके, वैसे हमारा काम हो जाए। जैसे अप डाउन लेफ्ट राइट का बटन आता है ना कीबोर्ड में, वैसे ही एक बटन यहाँ पे भी देना चाहिए सेट करने के लिए अपने सेल्फ वगैरह को। सेल्फ वा सेट करने में दीवार सटा के ना बड़ा दिक्कत होता है, अगर वो बटन आ जाएगा अगले अपडेट में तो हमें फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे इनका हो रहा है $7.40 वापस करना था, इनका $25, इनका $24.90 हो रहा है, इनका क्लियर करते हैं। उसके बाद इनका हो रहा है $20, $15 लेना है, इनको वापस करना है, तो इनका वापस करते हैं। और हमारा फ्रिज आ चुका है, तो फ्रिज में हम लगाते हैं अपने सामानों को जो कि फ्रिज में लग सकता है। ये बॉक्स क्लियर हो चुका है, नए सामान को देखते हैं। ये आया है चॉकलेट पाउडर, तो ये लगेगा फ्रिज में, अरे ये लगेगा सेल्फ में, तो इसको सेल्फ में लगा देते हैं। चॉकलेट पाउडर है ये डबल सेल्फ लेगा जगह, लेकिन इसका हम सोच रहे हैं फेंक ही दें हैं। चॉकलेट पाउडर प्राइस इसका सेट नहीं है, उसका प्राइस हमें सेट करना होगा, का प्राइस सेट है। यहाँ पे जो चीज़ फ्रिज में लग सकती है उसको फ्रिज में हमें लगाना होगा, ये तो फ्रीजर वाला माल है, फ्रिज में जो चीज़ लग सकती है उसको हम फ्रिज में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रिज में ये भी फ्रीजर का माल है, ओहो बड़ा दिक्कत हो रहा है। ये वाटर है, इसको लगाते हैं यहाँ पे, बॉक्स क्लियर हो चुका है, नया बॉक्स उठाते हैं, इसको लगाते हैं अपने सेल्फ में। सेल्फ यहाँ पे है खाली, इसको लगाते हैं यहाँ पे आधा और थोड़ा बहुत यहाँ क्लियर हो चुका है, उसको फेंकते हैं। उसके बाद नए बॉक्स को उठाते हैं और इसको लगाते हैं इस यहाँ पे, यह है एप्पल जूस। और एप्पल जूस को सारे के सारे एप्पल जूस को हमें यहाँ ठोकना होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एप्पल जूस हो चुके हैं और एक ही बार में हम पता नहीं कैसे गलती से एप्पल जूस मंगा लिए ढेर सारा, और ये बड़ी दिक्कत हो गई हमसे। और सारे के सारे बॉक्स को हमें क्लियर करना होगा एप्पल जूस वाले को। और एक काउंटर में हम देख रहे हैं दो दो काउंटर लगाना पड़ जा रहा है, तो सारे काउंटर को हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे ये भी बॉक्स खाली हो चुका है, एक नया बॉक्स आया है, इसको भी लगाते हैं सेल्फ में। उसके पहले लगा लेते हैं एप्पल जूस को, पहले एप्पल जूस हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम दूसरी चीज़ों को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं और कहीं एप्पल जूस हो, तो एप्पल जूस को उठाते हैं यहाँ पे लगाते हैं। और ये भी हो चुका है, यहाँ पे ये भी हो चुका है, यहाँ पे ये भी हो चुका है, इसको भी फेंकते हैं। उसका प्राइस भी हमें सेट करना होगा, एक नया बॉक्स आ चुका है,
नया बॉक्स को हम लगाते हैं, ये पता नहीं क्या है, इसको भी लगाते हैं, ये तो दारू वाला चीज़ लग रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का हमें सेट करना होगा। प्राइस ये है वोडका $12 $12 का है, इसको हम $12 में लगा देते हैं। उसके बाद इसको बॉक्स को फेंकते हैं बाहर और चीज़ें जो हैं बची हुई उनको भी लगाते हैं जगह जगह पे। और ये है एप्पल जूस, एप्पल जूस का हमने प्राइस सेट कर, एक साइड सेट हो गया, एक साइड नहीं हुआ इस हकी से, तो दोनों साइड अब प्राइस सेट हो चुका है। काउंटर पहले क्लियर करना होगा, काउंटर पे हमारे ढेर सारे कस्टमर आ चुके हैं। और ये डिश वाशर का भी प्राइस सेट करना होगा, बहुत सारी चीज़ों का प्राइस सेट नहीं हो पा रहा है। एक बार सेट कर दें किसी चीज़ का प्राइस तो वो सेट हो जाना चाहिए सारी जगह जहाँ पे भी वो रखा हुआ है, लेकिन हमें अलग अलग जगह पे जा के रखना करना पड़ रहा है, ये दिक्कत है। ये थोड़ा अपडेट में समस्या आ गई है। और जब भी कोई भी गेम का अपडेट आता है ना तो पूरी तरीके से सही सही अपडेट नहीं आ पाता, कुछ ना कुछ समस्या रह ही जाता है, या तो नई परेशानी उठ जाएगी या तो पुरानी परेशानी ही कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ों का हमें प्राइस सेट करना पड़ा है लगातार, कहीं कहीं प्राइस सेट हो गया है, कहीं कहीं दोबारा सेट करना पड़ा है। और ये है बहुत समस्या वाली चीज़, इसका अपडेट लाना पड़ेगा। ग्लिच है या बग है या क्या है, ये कौन सी परेशानी है, उसको क्लियर करना होगा। क्लियर नहीं होगा तो भैया गेम खेलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, प्राइज बार बार हमें आके प्राइज को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल्क है, उसका भी प्राइज हमने सेट कर दिया, इसका भी प्राइज सेट करना होगा। प्राइज सेट है, बस समस्या ये है कि वो शो नहीं हो रहा है। अगर शो नहीं हो रहा है और हम बिलिंग करने लगे और बिलिंग के टाइम भी वही चक्कर रहे तो फिर तो दिक्कत हो सकती है, हमारी जो प्राइस है वो सेट नहीं रहेगी तो कम प्राइस में हम बेच देंगे सामान को, उसका बिलिंग कर देंगे, तो ये भी समस्या हो सकती है। तो ये काउंटर पहले क्लियर करते हैं, काउंटर क्लियर करने के बाद हम देखेंगे अगला टारगेट हमारा क्या होने वाला है। तो इनका हो रहा है $11, इनका क्लियर करते हैं। उसके बाद इनका हो रहा है $14.40, इनका $10.60 वापस करना है। क्लोज करते हैं अपने मॉल को, सुपरमार्केट को, और इनको क्लियर करने के बाद हम इस अपडेट का जो आखिरी आज का जो वीडियो है उसको समाप्त करेंगे। और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये अपडेट आपको कैसा लगा, अपडेट जो आया था वो आपको कैसा लगा कमेंट में अभी के अभी जाके बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं और इसी तरह के वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बगल में बेल आइकन भी देखने को मिलेगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। उससे होगा ये कि आगे जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। यहाँ पे जो नेम योर स्टोर है वो आ चुका है बाहर की तरफ, पहले तो जैगो स्टोर करके था लेकिन अब हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो जेगो स्टोर को चेंज करके हमने ठुकराया गेमर स्टोर रख दिया है। जेगो मार्ट पहले हुआ करता था, अब हो चुका है ठुकराया गेमर स्टोर मार्ट। तो यही था वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।